सर। राजेश जी हमें फैशन शो का म्यूजिक चाहिए और आप म्यूजिक अच्छा लगाते हैं तो आर श्योर आप हमें अच्छा म्यूजिक देंगे। अ होल हार्टेड वेलकम टू योर मैम। सो पंकज कैन वी प्लीज वॉक? यस कम कम डॉक्टर केशव। जो भी आना चाहते हैं एक्चुअली फोटो ऑप्स हम कर सकते हैं बिकॉज वी वॉन्ट यूर टू हैशटैग एंड टू हैशटैग मी एज वेल। आई एम सिमरन आहूजा लेडीज एंड जेंटलमैन। पंकज अच्छा थोड़ा लिटिल क्लोजर व्हाट अ वेलकम भाई। थैंक यू फॉर माय लवली मेकअप एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी। वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू राजीव सर। कैन वी प्लीज हैव यू हियर सिंस हियर विद माय गोश। मे वी प्लीज वेलकम द रेनाउंड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राजीव चौधरी जी। The forthcoming movie, Abhiji, and I've been missing you always whenever I see Payal Ghosh, and I remember the producer and the director as well. And sir, you know, my character is also there in red, right? Yeah, I'm waiting to shoot with you. Very pretty, no? Wow, I'm waiting for that. So how does it feel being here and the fact that, Krishna sir, Payal man is working your film? कभी कभी क्या होता है गुस्सा एक सीमा पार कर जाता है हंसी Ladies and gentlemen, may you all dance together for a lovely wedding couple today. I'm going to please request you all to follow her and know more about her because she's completely stylish. At the same time, she's the one who knows how to wear masks. Let's give her one more time for Payal Ghosh presenting the utmost prestigious and Grand Indian Awards 2021. Payal Ghosh, how does it feel receiving this award? I'm in the name APJ Abdul Kalam Award. I mean, it's such a prestigious award, and I can't say any more award than just holding this award in my hand and saying that I have won it. Yay! Congratulations! Thank you. Thank you so much, dear sir. Thank you. Thank you. What a pose! इतना ठीक है जी तो वॉइस दे रही है। कल क्या कहना चाहेंगी आज अब्दुल कलाम आजाद के नाम पे आपको सम्मानित करा गया।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम सो ग्लैड. मतलब जब APJ अब्दुल कलाम सर के नाम आते हैं तो ऑटोमेटिकली यू नो लाइक यू फील सो ओवरवेलम एंड सो ब्लेस्ड टू रिसीव सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड. आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक टू फैजान, थैंक टू ऑप्शंस, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ फॉर ऑनरिंग मी विद दिस अवार्ड. आई एम एक्सट्रीमली इलेटेड एंड ओवरवेलम्ड एंड वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड. व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन I was superly excited, and actually it was Faizan who called me, and he told me that you are receiving the award of most inspirational woman of the year, and that is something when I feel like I'm really inspiring people and the women around the country and maybe around the globe. If I'm doing so, then I'm doing something which actually बोलते हैं ना कि जब तुम पैदा होते हो तो कुछ मोटिव लेके इंसान इस धरती पे आते हैं, दुनिया में आते हैं. अगर ये चीज़ हो रहा है तो आई थिंक आई एम एक्चुअली इंस्पायरिंग पीपल. सो इट इज़ ऑल गॉड्स प्लेस दैट आई एम एबल टू डू दैट. और मैं चाहूँगी ईच एंड एवरी अवार्ड ऑलवेज इंस्पायर यू टू डू मोर एंड मोर फॉर योर सोसाइटी, फॉर द कंट्री. सो आई कीप ऑन डूइंग दैट, एंड ईच एंड एवरी अवार्ड is inspiring, and when it is APJ Abdul Kalam Award, obviously you know I will do my best even to go beyond that. Faizan, क्या कहना चाहेंगे? और पहल की अपनी अलग संघर्ष रहा है, अपनी इतनी बड़ी पूरी मतलब पूरी इंडस्ट्री से लड़ी है वो अकेले, वन मैन आर्मी. क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सबको पता है कि पायल घोष एक नाम ही काफी इंडस्ट्री में, और मतलब काफी अच्छा फील कर रहे हैं कि आज हम इनके साथ हैं, अवार्ड मिल रहे हैं. इनफैक्ट APJ अब्दुल कलाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, तो अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से अवार्ड से नवाजा गया है तो वो बहुत बड़ी बात है. और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी हो जाती है जब लोग एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्टीज़ थी जब वेन आई वाज केम हियर इन बॉम्बे 2015, तो ट्रैवलिंग की काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, जुहू से चर्च गेट, चर्च गेट से बांद्रा. सो धीरे धीरे सब कुछ हुआ और फाइनली आज वी आर हियर. आपको भी अवार्ड मिला है, किस संदर्भ में अवार्ड मिला? जी जी, हमें भी अवार्ड से नवाजा गया है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं. ऑप्शंस के हैं, फर्स्ट इंडिया जिन्होंने हमें सब किए हैं, एंड आगे ट्राई करते हैं कि और बेस्ट इनको करके देना है. अभी बहुत कुछ लाइन अप है, सो विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ओके, आखिरी सवाल पायल आपसे, आप क्या अकेले वन वुमेन आर्मी जंग रही है और इतने बड़े नेक्सस से, इतने बड़े लोगों से, और आप यकीनन इंस्पायर करते हैं, जब आपको इंस्पायरिंग कहा जाता है तो कितना प्राउड महसूस करते हैं? बहुत बहुत. मीन्स मुझे लगता है कि मैंने किसी की दबाव में आके ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच के मैंने अपने आप को रोका नहीं है. मैं हर औरत के लिए, हर लड़की के लिए आवाज़ उठाई है, और आज लोग उसके वजह से मुझे इतना प्यार दे रहे हैं. तो आई माई सेल्फ फील लाइक मैंने सच्ची में कुछ मतलब जब मैं ये आवाज़ उठा रही थी, ये जो मैं सबके लिए बोल रही थी, आई वॉज स्टैंडिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वीमेन वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, तब मुझे नहीं पता था कि आई विल बी एक्सेप्टेड इन सच अ वे. इनिशियली बहुत ड्रामा हुआ, बहुत लोग अपने अपने मतलब से गए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से बाहर जब इंडस्ट्री तुम्हें प्यार करने लगे, तुम्हें हर जगह से तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तब यू नो दैट यू हैव एक्चुअली डन अ गुड जॉब टू द सोसाइटी. थैंक यू, थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है. Such a prestigious award, and I'm feeling overwhelmed, elated to receive this award, and I'm literally feeling inspired. I have contributed to the society that today I have been honored with such a prestigious award. Dr. Abdul Kalam Azad Naam Se Award. I'm overwhelmed, elated to receive this award. This is a prestigious award, and one should be really lucky to receive this award. I'm really overwhelmed, and this award not only really making me happy but inspiring me. This has literally inspired me so much that I will even go beyond my best to be the best for the society. And as a celebrity, the mic on stage, and because I'm going to take very long with hi,
actually not the best, the most wanted celebrity trainer of our Bollywood fraternity and international stars. Can you please give it up for Pradeep Bhatia, the year 2021, the best and the most wanted celebrity trainer. So right from Katrina Gaif to please request. Very gorgeous smile coach and Jasmine Matthau to present. You smile. Thank you very much. Just called 2K21 to the lovely lady, the influencer, the queen of social media. Let's give it up for Shweta Rohila. If you are here, Shweta, you only have so many fans here. Wow. अरे यार अवार्ड के फुटेज मारा तो नहीं अवार्ड मारे जस्टिन इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारक थैंक यू थोड़ा सा आपसे जाना था किस उपलक्ष्य में और वो भी एपीजे साहब के स्वर्गीय एपीजे साहब के जी बहुत ही मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है और मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑप्शंस एंड इट्स अ ग्रेट यू नो इवनिंग और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके ये मुझे अवार्ड मिला है मेरे स्टाइल के लिए तो स्टाइल आइकॉन अवार्ड मिला है और जैसे कि आप सब जानते हैं व्हेन आई वाज आल्सो इन बिग बॉस एंड यू नो जैसे लोग मुझे देखते हैं लॉट ऑफ गर्ल्स फॉलो मी दे वांट टू नो कि मैं किस तरह का स्टाइल फॉलो करती हूँ एंड यू नो द ट्रेंड एंड एवरीथिंग सो इस वजह से मे बी दे लाइक्ड मी या कुछ ऐसा तो इसलिए ये अवार्ड ऑनेस्टली मैंने ये कभी नहीं सोचा था मैंने कभी ये चीज़ एक्चुअली इसलिए नहीं सोची थी क्योंकि जब मैं कॉलेज या स्कूल में भी थी तो मेरे साथ की जो पढ़ने वाली लड़कियाँ थी वो हमेशा सिर्फ मजाक ही करती थी मेरी क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा फैशन यू नो करती हूँ अतरंगी बालों का कलर होता है मेरा लेकिन यही होता है कि जब आपको आप दुनिया के सामने जब एक यू नो अपना टैलेंट या कुछ भी शोकेस करते हो और जो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं प्यार करते हैं तो फिर उन सबके मुंह बंद हो जाते हैं तो बचपन से लेके आज तक मैं सिर्फ एक तरह का क्रिटिसिज्म ही झेलती आई हूँ क्योंकि कुछ हटके लोगों को पसंद आता नहीं है और मैं कुछ हटके ही चीज़ें करती थी जैसे कि मेरे बालों का कलर भी आप देख सकते हैं तो उसमें रेड है और ब्लू है तो वो हमेशा ये कहते थे कि जसलीन यू नो अगर सलवार कमीज़ भी पहनती जब मेरे लिए सलवार कमीज़ पहनना भी ऐसा होता था कि पंजाब का एकदम टिपिकल सूट पहनना ना कि मतलब एकदम ऐसा सिंपल सा कुछ पहन लिया वो नहीं तो मैं हमेशा अच्छे से तैयार होने में ही बिलीव करती हूँ और बिग बॉस की वजह से इतनी अच्छी तरह वो शोकेस हो सका कि लोगों ने वो देखा और लड़कियों को इतना पसंद आया जो मुझे उम्मीद नहीं थी और लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया तो अब वो जो मेरे बारे में जो जिस तरह की बातें जो करते थे उनको तो जवाब मिल गया मुझे तो जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं या ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं और ऑब्वियसली जसलीन के साथ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली हमेशा से क्योंकि काफ़ी क्लोज रहा हूँ इनके हमेशा से मैं और मुझे खुशी होती है कि ये भी आगे जा रही हैं और ऑब्वियसली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बड़ा नाम है किसी को भी वो अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात है तो रियली फीलिंग रियली ब्लेस्ड टुडे एंड आगे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स भी हो रही हैं कि आगे बहुत कुछ करना है काम अभी सो बस थैंक यू जसलीन को बुलाया जसलीन का क्या रिएक्शन था व्हेन यू आस्क हर टू बी ऑन बोर्ड कि आप आइए आप नहीं नहीं ऑब्वियसली इनको ये तो हमेशा से मतलब कुछ अच्छे काम के लिए हमेशा रेडी रहती हैं सोशल कॉज के लिए हमेशा रेडी रहती हैं तो हमेशा इनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन कहीं से वाया वाया जाती है तो ये पूरा ट्राई करती हैं कि वहाँ पर जाएँ सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू स्मॉल लेट्स स्वीट करिए जिस शख्सियत के नाम पे अवार्ड है उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं वो तो है
टू गेट अ फीलिंग, टू गेट एन अवार्ड इज ओनली आई एम स्पीचलेस, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपका पाथ करेक्ट है, और ये अवार्ड आपको थोड़ा और मोटिवेट करता है टू डू बेटर एंड बेटर. एंड बीट एज अ रीडर, बीट एज अ चाइल्ड, टू गेट दिस अवार्ड, आई फील रियली प्रिविलेज्ड, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर फॉर दिस ऑप्शंस फर्स्ट इंडिया न्यूज अवार्ड, एंड आई एम रियली हैप्पी. व्हाट इज योर रिएक्शन द मोमेंट इज अवनर आस्क्ड टू बी ऑन बोर्ड एंड दैट टू दे आर अवार्डिंग यू विद दिस? I always believe that I hope I'm influencing correctly. और जब आपको एक award मिलता है which is called the leading influencer, उससे better क्या हो सकता है? तो मैं तो jump कर रही थी all day. And अगर आप अभी भी देखें, I can't stop smiling. Obviously बहुत अच्छा feeling है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाम ही ऐसा है कि नाम ही काफ़ी है, जिसको भी वो अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है ऑब्वियसली. एंड काफ़ी हार्ड वर्क के बाद यहाँ तक आए, क्योंकि व्हेन आई वाज केम इन बॉम्बे 2015 तो काफ़ी डिफिकल्टीज थी, ट्रैवलिंग थी जो कभी देखा नहीं था अपने होम टाउन में, बट यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा. और ऑफकोर्स श्वेता के साथ तो ऑब्वियसली हमेशा अच्छा लगता है, कोई भी इवेंट शेयर करते हैं हम लोग जब साथ. थैंक यू. आई थिंक मैं सबको इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, बिकॉज अगर एक बंदा भी बदलता है इन एनी वे, बी इट द स्टाइल, बी इट एवरीथिंग, टिल इट वर्क्स फॉर देम. सो आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एवरीबडी, बट आई वांट टू इन्फ्लुएंस एवरीबडी, हर एक बंदा सम वे में, इफ आई कैन इन्फ्लुएंस, आई थिंक माई जॉब इज डन. थैंक यू. थैंक यू. दिस इज डबू रत्नानी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू रिसीव दिस डॉक्टर अब्दुल कलाम 2021 बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड. Thank you, International Network, for giving me this honor. I wish I was there in person, but unfortunately, I cannot be there this year. Hope to see you all guys next year. Thank you again. आपको अवार्ड मिला, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, स्पेशली बिकॉज ये APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से है, और उनसे मेरा एसोसिएशन बहुत गहरा था. जब मैं बहुत छोटी थी तभी से, जब भी वो मेरे होम टाउन आते थे, मुझसे मिलते थे, और मैं हमेशा उन्हें मेरे वतन के लोगों सुनाती थी, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा से मिली है, और जिनके नाम का अवार्ड मिला है तो बहुत खुशी हो रही है. कितना गर्व महसूस करे आपको ये अवार्ड लेके? बहुत बहुत. आपके सफर के बारे में बताइए, जो यहाँ पहले से यहाँ तक का सफर, जैसे अवार्ड मिलने का. बहुत एक्साइटिंग रही है मेरी जर्नी, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है. बिल्कुल सपने की तरह रहा है मेरा सफर, बिल्कुल बिल्कुल एक ड्रीम जर्नी. अब्दुल कलाम के बारे में आप क्या सोचती है? APJ अब्दुल कलाम है तो आप कैसे, आप उनसे इंस्पायर हैं? आई थिंक वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत सारी लाइफ्स को ना सिर्फ इंस्पायर किया है बल्कि चेंज किया है. उनके थॉट्स, उनके विजन्स, उनके आइडियाज़, उनके वैल्यूज़, जितना भी उन्होंने, जितनी भी बातें हमें सिखाई हैं, आई थिंक वो उनके जाने के बाद भी हमारे साथ हैं, एंड आई थिंक इस इंस्पायर्ड जनरेशन. सर आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? सर ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, 8 ईयर्स के बाद इतना बड़ा अवार्ड से नवाजा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इतने बड़े लेजेंड्स का ऑलरेडी नाम है साथ में, तो ऑब्वियसली किसी को भी प्राउड फील होगा. जैसे पलक मैम के पेरेंट्स को भी बहुत फख्र है उनके ऊपर, बहुत गर्व है, इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री को उन पर गर्व है, इसलिए आज इस अवार्ड से नवाजा गया है उनका. आप क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए कुछ? यही कहना चाहूँगी, थैंक यू इतनी सारी सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपका ये प्यार हमेशा मुझे बनाए. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.